नमस्ते। संवित संवाद में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ है कृष्णानंद सागर जी। कृष्णानंद जी 1958 से 1978 तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे हैं। कृष्णानंद जी विभिन्न संस्थाओं के स्थापक भी है। सुरुचि, जागृति प्रकाशन, वैचारिक मंच चिंतना जैसे कई संस्थाओं के स्थापक हैं। कृष्णानंद जी अनेक पुस्तकों के संपादक और लेखक रह चुके हैं। पांचजन्य, ऑर्गेनाइजर, जाह्नवी जैसे पत्र और पत्रिकाओं में उन्होंने कई लेख प्रकाशित किए हैं। कई टीवी चैनल पर चर्चा में सहभागी भी रह चुके हैं। नमस्ते कृष्णानंद जी। नमस्कार जी। हमारे साथ सतीश जी हैं और रुचि जी हैं। रुचि जी होम्योपैथी के डॉक्टर हैं और सतीश जी हिंदू ईशॉप का निर्वहन करते हैं। नमस्ते कृष्णानंद जी। नमस्कार आपसे जी। मेरा पहला प्रश्न होगा कि ये 1947 में विभाजन जब हुआ तो उसकी रूपरेखा किसने तैयार की थी, उसका विभाजन का आधार क्या था, और क्या इसमें भारत की जनता की भी सहमति थी, क्या विभाजन का कोई और विकल्प नहीं था? आपने ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण किया है, लेकिन ये बड़ा इसका उत्तर बहुत व्यापक है, संक्षिप्त उत्तर इसका नहीं है, लेकिन तो भी मैं कोशिश करता हूँ उसको यथासंभव संक्षिप्त में। देखिए, जहाँ तक आपने जनता की बात की तो आपको पिछले 100 वर्ष का इतिहास देखना पड़ेगा। भारत की जनता जो है वो स्वातंत्र की ललक उसमें स्वाभाविक रूप से थी, लेकिन दुर्भाग्य से अंग्रेजों ने अपने राज्य को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए कांग्रेस की स्थापना की, और उनकी ये कोशिश थी और कांग्रेस ने उनकी उस कोशिश को पूरी तरह से उसके अनुसार वो चलती रही कि देश के अंदर कभी भी स्वाधीनता के लिए संघर्ष ना होने पाए। ये कांग्रेस का पूरा प्रयास रहा शुरू से लेकर और 1947 तक। अब कांग्रेस के जो नेता थे उनमें से बहुत सारे अच्छे श्रेष्ठ नेता भी थे, उन्होंने यही कोशिश की, अहिंसा, हिंदू मुस्लिम एकता, ये जो दो सूत्र पकड़ लिए उन्होंने, ये दोनों सूत्र ऐसे थे जो इस देश के अंदर स्वाधीनता संघर्ष को चलने ही नहीं दे रहे थे। स्वाधीनता संघर्ष को में बाधक बनने के लिए दो सूत्र सिद्ध हुए, और ये दोनों सूत्र अंग्रेजी शासन को यहाँ पर चिरस्थायी बनाने के लिए साधक बने रहे। जनता जो है वो तो समझती थी कि जो काम हो रहा है स्वाधीनता के लिए हो रहा है, लेकिन नेता लोग जो थे वो स्वाधीनता की बजाय वो सत्ता प्राप्ति का प्रयास कर रहे थे। कांग्रेस की स्थापना उन्होंने की और कांग्रेस की 21 साल तक अंग्रेजों ने ही उसको पाला पोसा। हम सबको पता है कि ए ओ ह्यूम ही 21 साल तक कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी रहा है, तो उसको पाला पोसा, कांग्रेस को संस्कारित किया, उसकी दिशा वगैरह जब उसने सारी तय कर दी, निर्धारित कर दी, उसके बाद वो भारत से क्या है 21 साल के बाद। तो यह जो नेता तैयार हुए थे वो नेता अंग्रेजी शासन के को में साधक बनने के लिए तैयार हुए थे। जो नेता उसमें साधक बनने को तैयार नहीं हुए, नहीं बनना चाहा, ऐसे नेताओं को धीरे धीरे कांग्रेस से निष्कासित कर दिया जाने लगा, या वो स्वयं ही कांग्रेस से हट गए, हटने लगे। उसमें लोकमान्य तिलक है, लाला लाजपत राय हैं, मदन मोहन मालवीय हैं, स्वामी श्रद्धानंद आदि अनेकों लोग ऐसे। तो कांग्रेस में वही रहे जो ब्रिटिश शासन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहे। तो जनता के सामने तो वो आजादी आजादी की बात करते रहे, लेकिन उनके सामने ये एक स्पष्ट लक्ष्य था कि किसी भी प्रकार से कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे ब्रिटिश शासन को हानि पहुंचे, और इसलिए कांग्रेस ने कभी भी स्वतंत्रता संघर्ष नहीं किया। कांग्रेस ने 3 आंदोलन चलाए, आंदोलन वो स्वतंत्रता आंदोलनों में से तीनों में से एक भी स्वतंत्रता आंदोलन नहीं था, लेकिन जनता को भ्रमित करने के लिए वो उन आंदोलनों में आजादी आजादी की बात करते रहे, और जनता समझती रही कि ये नेता आजादी के लिए कर रहे हैं।
तो जनता में इतनी अधिक ललक थी आजादी के लिए कि जो भी आजादी के लिए बोलता था, जनता उसके पीछे हो जाती थी। तो जनता कांग्रेस के पीछे भी हो गई, लेकिन कांग्रेस का उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्ति था, और ऐसी सत्ता जो ब्रिटिश ताज के अंतर्गत रहे, ये बड़ा स्पष्ट लक्ष्य था कांग्रेस का। आप कांग्रेस के डॉक्यूमेंट्स देखिए, उसमें सब यही है, साम्राज्य के अंतर्गत स्वराज्य। स्वराज्य की परिभाषा ही कांग्रेस की ये थी कि साम्राज्य के अंतर्गत, यानी ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वराज्य चाहिए, स्वतंत्रता नहीं। अब आम लोगों को इन सब बातों का ज्यादा समझ नहीं थी, वो समझते कि नेता हमारी जो है आजादी का संघर्ष कर रहे हैं, वो पीछे लगते रहे। तो अब मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊँ, क्योंकि ये अलग बहुत बड़ा विषय है, लेकिन सामान्य रूप से ये बात समझने की है कि कांग्रेस स्वाधीनता संघर्ष करने के लिए बनी ही नहीं थी। कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने की थी। ए ओ ह्यूम का तो नाम हम जानते ही हैं, लेकिन अकेला ए ओ ह्यूम नहीं था उस समय, यानी 1885 में जो भारत का गवर्नर जनरल था, वो प्लस इससे पूर्व जो दो गवर्नर जनरल रह चुके थे, वो प्लस इंग्लैंड के पार्लियामेंट के अनेक प्रमुख सदस्य, ये सब उस कांग्रेस की स्थापना का जो निर्णय किया गया, विचार किया गया, उसमें ये सब लोग थे। और ये मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा, ये स्वयं जो कांग्रेस का अधिकृत इतिहास है उसी में ये बताया गया है सर, कोई मैं अपनी ओर से नहीं कुछ कह रहा। पट्टाभि सीतारामैया के द्वारा जो कांग्रेस का इतिहास लिखा गया है, उसमें प्रथम खंड के शुरू में यही बातें हैं सर, उसको समझने की जरूरत है। तो अंग्रेजों ने कांग्रेस की स्थापना अपने विरुद्ध किसी को खड़ा करने के लिए थोड़ी की थी। अब अगली बात आती है कि जो 42 का कानून, वो भी ऐसा ही था। मैं 1900 ये जो 21 का आंदोलन था, वो तो सीधा सीधा ही खिलाफत आंदोलन था, वो तो खिलाफत आंदोलन था, लेकिन उसको नाम दे दिया गया, जनता को भ्रमित करने के लिए नाम दे दिया गया असहयोग आंदोलन। खिलाफत शब्द का अर्थ क्या है? असहयोग। तो असहयोग यह खिलाफत का अनुवाद किया गया है। ब्रिटिश सत्ता से स्वतंत्र होने के लिए हम असहयोग कर रहे हैं, ये नहीं था। था ये कि तुर्की के खलीफा को, के पद को स्थापित करने के लिए वो आंदोलन चलाया गया। 1931 का आंदोलन भी आप ले लीजिए, उसकी भी स्थिति ऐसी थी, वो कोई स्वाधीनता आंदोलन नहीं था। 1942 का भी, 1939 में जब ये विश्व युद्ध आरंभ हुआ सितंबर 1939 से, उसी समय कांग्रेस ने ये एक अधिकृत अपनी पॉलिसी बनाई थी, हमने कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिसमें अंग्रेजों के युद्ध प्रयत्नों में कोई खलल पड़े, कोई बाधा पड़े। और ये 1942 तक अधिकृत नीति रही है, लेकिन जब सुभाष चंद्र बोस वगैरह ने इसको आजाद हिंद फौज बना ली और कई कुछ मामले हुए, तो अब जनता में कांग्रेस के नाम देवा कोई नहीं रहा, और सब जगह सुभाष चंद्र बोस वगैरह वगैरह कहीं डूडगी होने लगी। तो मजबूर होकर सुभाष चंद्र बोस से अधिक हम दिखाई दें जनता को, तो इसलिए फिर कांग्रेस ने मजबूर होकर रणनीति वश यह नारा लगाया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। लेकिन वो केवल नारा लगाया था, उसके लिए ना तो कोई योजना बनाई, ना रूपरेखा बनाई, ना कुछ, ये सबको पता है। अगर वास्तव में मन में होता तो उसकी पहले रूपरेखा बनाते, बाद में घोषणा करते, वो तो कुछ किया ही नहीं, और उसका जो हशर हुआ सबको पता ही है। तो कुल मिलाकर ये है कि कांग्रेस जो है उसने कभी भी आजादी का आंदोलन चलाया ही नहीं, सत्ता प्राप्ति के लिए रही। तो अब ये जो विभाजन वाली बात आई, वो भी सत्ता की बात थी, सत्ता प्राप्त हो जाए। अब सत्ता कैसे प्राप्त हो, तो उसके लिए भी ये था कि प्रधानमंत्री थे चर्चिल, वो तो बिल्कुल भारत के विरोध में थे और किसी भी तरह से सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं थे। लेकिन उन उसी समय ही
जब ये चालू हो गया, आजाद हिंद फौज का आक्रमण चालू हो गया और उसमें बहुत कुछ हुआ, तो उसके बाद उनको लगा कि ये तो मामला गड़बड़ है और हमारे तो सत्ता यहाँ चली जाएगी। तो सत्ता जाने के भय से उनको लगा कि ऐसा चाहिए हमें जो सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध भारत में वातावरण बना सके। वो कांग्रेस थी, अंग्रेजों की ही मानस पुत्री कांग्रेस थी, और इसलिए जिन कांग्रेस नेताओं को अरेस्ट किया हुआ था 42 में ही कर लिया था, उनको छोड़ दिया गया बिना वार्ता के, बिना किसी बात के तुरंत छोड़ दिया गया। और छोड़कर साथ ये, इसके साथ ही ये बात कह दी गई कि भाई ये हम नवंबर में वायसराय के साथ मीटिंग होगी और हम भारतीय लोगों को ही वायसराय की काउंसिल में रखेंगे, पर ऐसे लोगों को रखेंगे जो जापानी सेना के विरुद्ध और संघर्ष के लिए सिद्ध हों, सरकार की सहायता करें, ऐसे लोगों को रखेंगे। अब यह बड़ा स्पष्ट उसमें बात थी जो घोषणा की गई, बड़ी स्पष्ट थी। अब कांग्रेस अगर उस मीटिंग में शामिल हुई, इसका अर्थ यह है कांग्रेस ने इस शर्त को स्वीकार किया, तभी तो उसमें शामिल हुई। नवंबर 1944 की वायसराय मीटिंग तो शिमला में ही, तो कांग्रेस को छोड़ा किस लिए गया था, जेलों से किसने मुक्त किया गया, कि सुभाष चंद्र बोस जो स्वाधीनता संघर्ष कर रहे हैं आजाद हिंद फौज के माध्यम से, जापानियों के से शस्त्र लेकर, और जो अंग्रेजी सत्ता को समाप्त करने का प्रयास है, उसके विरुद्ध संघर्ष करने के लिए कांग्रेस नेता साथ दें, और कांग्रेस नेताओं ने वो साथ देने का आश्वासन सरकार को दिया। तो इसलिए मैंने कहा कि ये इतना छोटा प्रश्न नहीं है, आपने तो दो चार वाक्य में प्रश्न कर दिया, तो इसका उत्तर बहुत व्यापक है। तो मैंने कोशिश की है संक्षेप में, अब आपके सामने और 10 तरह के प्रश्न खड़े हो गए होंगे, तो अब उन प्रश्नों का उत्तर तो मैं नहीं दूंगा क्योंकि विषय से अलग हो जाएगा मामला। ये जब विभाजन सुनिश्चित था तब शांतिपूर्वक तरीके से क्यों नहीं किया गया था? क्या कोई और विकल्प नहीं था? ऐसा जी के शांति पूर्वक करने का अर्थ क्या है? देखिए, स्वतंत्रता कभी भी शांति पूर्वक नहीं मिलती। आप अगर किसी ने हमारे देश पर अधिकार किया हुआ है और उसको हम यहाँ से निकालना चाहते हैं, भगाना चाहते हैं, तो शांति पूर्वक थोड़ी होगा कुछ, वो संघर्ष से होगा। और 1857 में भी ऐसा ही संघर्ष हुआ था और उसके बाद भी अनेक लोगों ने संघर्ष किए हैं, और सुभाष चंद्र बोस भी इसी संघर्ष में शामिल थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी इसी संघर्ष में शामिल था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सुभाष चंद्र बोस या आजाद हिंद फौज, ये बहुत गहरा संबंध था जो अभी तक लोगों के सामने आ नहीं पाया। और उसमें ये तय था कि सुभाष चंद्र बोस जब ये बर्मा से निकलते हुए भारतीय सीमा में प्रवेश कर जाएंगे, उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से संपूर्ण देश के अंदर एक साथ विद्रोह खड़ा कर दिया जाएगा, यह सुनिश्चित था। लेकिन दुर्भाग्य से, क्योंकि ये जो था मणिपुर, मणिपुर उधर का घेरा तो डाल दिया गया, त्रिपुरा का जो इम्फाल का घेरा तो डाल दिया गया, लेकिन उस समय वर्षा काफी जोरदार हो गई और उससे आगे बढ़ना संभव नहीं हुआ, और इसलिए आजाद हिंद फौज को पीछे हटना पड़ा। तो और वो आगे बढ़ नहीं पाए, उसके साथ ही यूरोप में युद्ध समाप्त हो गया, तो वहां से पूरी शक्ति जो है अमेरिका की, इंग्लैंड की, वो इधर लग गई, पूर्वी मोर्चे पर लग गई, तो उसमें सफलता नहीं मिल पाई। वो सफलता नहीं मिल पाई और इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर, देश के अंदर जो एकदम एक साथ देशव्यापी विद्रोह की योजना थी, वो नहीं हुई, क्योंकि वो उधर से अंदर सुभाष चंद्र बोस अंदर आ नहीं पाए। हालांकि सुभाष चंद्र बोस ने ये भी एक कोशिश की थी, जब इम्फाल में आगे नहीं बढ़ पाए तो वो हिम्मत नहीं आ रही, तो उन्होंने ये कोशिश की थी कि 1,000 उन्होंने चुने हुए सैनिक अलग किए, जो बिल्कुल मरने मारने को तत्पर, ऐसे 1,000 सैनिकों को लेकर
वो पैदल रास्ते से सड़क छोड़कर बाकी छोड़कर जंगलों के रास्ते से बंगाल में प्रवेश करना करने की योजना बनाई, ताकि एक बार बंगाल में प्रवेश कर गए तो फिर सारे देश के अंदर क्रांति हो जाएगी, ये उनको पता था। तो प्रश्न ये था कि बंगाल में प्रवेश किया जाए, लेकिन वो भी तब नदी नाले इतने बह रहे थे, बहुत जबरदस्त वो सब था, तो संभव ही नहीं था उन सबको पार करना, तो नहीं कर पाए। तो वास्तव में शांति से होने वाला नहीं था, शांति से होने वाला एक ही काम था, वो था कि अंग्रेजों के उसमें आकर, अंग्रेजों के षड्यंत्र में आकर अंग्रेजों से वार्तालाप करते रहो और अंग्रेज जितना दे दें उतना ले लो, यही था केवल शांति का मार्ग। और कांग्रेस ने यही किया, समझौते में आ गई, अंग्रेजों ने वार्तालाप चलाया, ये वार्तालापों में चलते रहे, अंग्रेजों को खतरा था कि भारत ये अगर भारत में क्रांति हो गई और सुभाष चंद्र बोस आ गए तो एक भी अंग्रेज जिंदा नहीं बचेगा। तो अंग्रेजों की सुरक्षा का एकमात्र साधन कांग्रेस था, और इसलिए उन्होंने उनको मुक्त किया। सब कांग्रेस के लोगों को मुक्त नहीं किया, केवल कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों को मुक्त किया, यानी नेताओं को केवल मुक्त किया, सबको नहीं मुक्त किया। और ये जो नेता लोग थे इतने स्वार्थी थे कि इन्होंने ये भी नहीं कहा कि हम वार्ता में तब शामिल होंगे जब हमारे बाकी कांग्रेस सदस्यों को साथियों को मुक्त करो, इतना तक भी नहीं। मुक्त हो गए, बड़े खुश हो गए कि चलो, और अंग्रेजों के साथ वार्ताओं में शामिल हो गए। तो वार्ताएं चलती रही, तो वार्ताओं में शस्त्र नहीं होते, वार्ताओं में बंदूकें नहीं होती, वार्ताओं में तो समझौते होते हैं, उन्होंने कहा ये करना है, उनका ठीक है, उनका ये करना है, भाई मानते गए ये बात। तो ये इतने जो कांग्रेस नेता थे ये इतने अधिक निरुत्साहित हो चुके हुए थे, इतने अधिक निराश हो चुके हुए थे कि इनको तो ये लगता था कि हम शायद जेल से बाहर ही ना आ पाए, लेकिन वो अंग्रेजों की कृपा से बाहर आ गए, क्योंकि अंग्रेजों को खतरा लग गया था कि हम शायद भारत में अब टिक नहीं पाएंगे। तो टिक नहीं पाएंगे तो इसलिए उनको एक मुसीबत में सहायक के रूप में कांग्रेस दिखाई दी, उन्होंने कांग्रेस को मुक्त किया और वार्ताओं में लगा लिया। अब जब वार्ताओं में लगा लिया तो वार्ताओं में एक तरफ ब्रिटिश सरकार और दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार की दो संतानें, एक कांग्रेस और एक मुस्लिम लीग। कांग्रेस को भी अंग्रेजों ने ही उत्पन्न किया था, मुस्लिम लीग को भी अंग्रेजों ने उत्पन्न किया था, तो अपनी दोनों संतानों से वो वार्ता करते रहे। और ये दोनों संतानें बिल्कुल और शुद्ध रूप से अपने ये मातृ नेता कह लीजिए, मातृ सत्ता कह लीजिए, जो कुछ भी उनको नाम देना हो दे सकते हैं, उनके ही अनुसार चलते रहे या उनके बुने हुए जाल में ही फंसे रहे, कोई भी शब्द प्रयोग कर सकते हैं कैसा, लेकिन ये सत्य है कि अंग्रेजों के बुने हुए जाल में हमारे कांग्रेस नेता फंस गए, फंसे रहे, और आखिर में उन्होंने विभाजन स्वीकार कर लिया। तो शांति का तरीका तो यही था, उसे हो गया, लेकिन ये उनको शांति, शांति का मतलब इतना ही था उसमें कि अंग्रेजों के साथ संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, इतना ही शांति का था। लेकिन क्या वो शांति रही? 20 लाख लोगों की लाश पर सरकार बनी है, जिसको वो आजादी कहते हैं, जिसको वो कहते हैं कि हमारी सरकार बन गई, अपनी सरकार बन गई, वो सो कॉल्ड अपनी सरकार 20 लाख लोगों की लाशों पर बनी। तो शांति का तो प्रश्न प्रश्न खड़ा नहीं होता था। विभाजन के समय वो शांति का प्रस्ताव क्यों नहीं रखे? मतलब
विभाजन करते समय मुस्लिम को एक क्षेत्र दे दिया था, तो हिंसा क्यों हुआ फिर? ऐसा है कि जैसा कि मैंने बताया कि कांग्रेस के जो लोग ये अत्यंत निराश और हताश हो चुके हुए थे, और जो निराश और हताश होता है वो कायर होता है, वो वीर तो निराश हताश होता ही नहीं है, जिनमें कायरता होती है वही निराश हताश होते हैं। तो कांग्रेस के ये सभी लोग, एक दो चार को छोड़ दीजिए, तो बाकी सभी लोग अत्यंत कायर वृत्ति के थे और दास वृत्ति के थे, यानी अंग्रेजों की दास वृत्ति के थे। अब जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग की भी स्थापना अंग्रेजों ने ही कराई थी, और वो इसीलिए थी कि भी हिंदुओं के, हिंदू समाज के सामने खड़ा कर दो इनको, तो ये लड़ते रहें और हमारा साम्राज्य सुरक्षित रहे, ये उनका उद्देश्य था और वो होता रहा। लेकिन हम अगर पिछली बातों को छोड़ दें और उस समय की बात को ही दें, तो 1940 में कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया। जो विधिवत पारित किया है प्रस्ताव, वो 1940 में किया है। उसमें पाकिस्तान शब्द नहीं था, उसमें जो शब्द प्रयोग उन्होंने किया वो किया मुस्लिम होमलैंड, के मुसलमान भारत में एक अलग कौम है, दे आर ए सेपरेट नेशन, उनका हिंदुओं के साथ कुछ भी समान नहीं है, ना इतिहास समान है, ना धर्म समान है, ना परंपराएं समान है, ना रीति रिवाज समान है, ना धार्मिक स्थल समान है, ना खाने पीने का तरीका समान है, अन्य कोई व्यवहार किसी प्रकार का समान, कुछ भी समान नहीं है। तो भारत में मुस्लिम एक अलग राष्ट्र है, और इसलिए अंग्रेज भारत से जब जाएंगे तो मुसलमानों को अलग राष्ट्र चाहिए, ये पहले तय करें, ये मुस्लिम लीग की नीति थी कि अंग्रेज पहले ये तय करें, और कांग्रेस ये पहले स्वीकार करे कि मुस्लिम होमलैंड बनाए, तब हम आजादी के आंदोलन में साथ देंगे, ये मुस्लिम लीग की शर्त थी शुरू से। तो मुस्लिम लीग ने कोई आजादी का आंदोलन करने का सवाल नहीं खड़ा होता था पहले भी, तो वो पाकिस्तान आंदोलन को चला रही थी, लेकिन विधिवत पाकिस्तान प्रस्ताव 1940 में, ये जब पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया, उससे कुछ दिन ही पहले कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1940 का रामगढ़ में, उसमें अध्यक्ष थे मौलाना आजाद। मौलाना आजाद ने अपने अध्यक्षीय भाषण में ये कहा मुसलमानों के बारे में कि मुसलमान भारत में अल्पसंख्यक नहीं है, वो भारत में एक बहुत बड़ी शक्ति है। ये माने मौलाना आजाद ने, कांग्रेस अध्यक्ष ने मुसलमानों को भारत में एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में बता दिया, प्रकट कर दिया, स्थापित कर दिया। और इसी बात को लेकर मुस्लिम लीग ने इसी बात को पकड़ लिया, और उसके शायद 5-7 दिन बाद मुस्लिम लीग का अधिवेशन था, और उसमें उन्होंने कहा कि मुस्लिम अलग से हमारा मुस्लिम होमलैंड चाहिए। तो मौलाना आजाद यानी कांग्रेस अध्यक्ष और मुस्लिम लीग के अध्यक्ष, दोनों की बात में अंतर कहाँ रहा? तो जो बात कांग्रेस अध्यक्ष ने कही उसी बात को मुस्लिम लीग के अध्यक्ष ने और आगे बढ़ा, ये तथ्य इतिहास का है, इस तरफ ध्यान देने की बात है। जी इसके बाद जब ये बात गांधी जी को बताई गई कि मुस्लिम लीग ने ये प्रस्ताव पारित किया है, तो गांधी जी ने उसके बाद एक लेख लिखा हरिजन में, वो लेख पढ़िए, उसमें उन्होंने लिखा है, ये शायद 6 अप्रैल का है, 23 मार्च को शायद, जहां तक मुझे ध्यान है 23 मार्च 1940 को वो प्रस्ताव पारित हुआ था, पाकिस्तान प्रस्ताव मुस्लिम लीग की ओर से, और उसके बाद 6 अप्रैल को गांधी जी ने एक लेख लिखा,
उस लेख में ये कहा गया है कि 8 करोड़ मुसलमानों को अगर अलग होने की बात आती है तो मेरे पास ऐसा कोई भी अहिंसात्मक उपाय नहीं है जिससे मैं उनको रोक सकूं। ये गांधी जी का लेख है। उसमें दूसरी बात कही कि भाई देखो परिवार में भी, और ये होता ही है, बंटवारा होता ही है परिवार में भी, तो अगर वो बंटवारा करना ही चाहते हैं तो ये तो एक परिवार की बात होती ही है, इसमें कौन सी नई बात है। यह गांधी जी का लेख है 1940 का। इसका अर्थ क्या है? गांधी जी ने सैद्धांतिक रूप से पाकिस्तान की मांग 1940 में ही स्वीकार कर ली थी। प्रचारित ये किया जा रहा है कि गांधी जी तो अंत तक बंटवारे के विरोध में रहे। तथ्य ये है कि सबसे पहले बंटवारे के को स्वीकार करने वाले गांधी जी ही थे, और 1940 में स्वीकार किया। तो अब ये बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं इतिहास के जिनको अगर जोड़ा जाए और सामने लाया जाए तो स्थिति स्पष्ट होती है। तो इसलिए ये कहना कि कांग्रेस ने ये किया या गांधी जी ने ऐसा किया, वो तो बहुत कोशिश करते रहे, ऐसा कुछ नहीं है। अंग्रेजों ने एक बात तय कर ली थी कि हमें जब भी भारत से जाना पड़ेगा तो भारत को दुर्बल करके जाना है, कमजोर करके जाना है। तो वो भी इस पक्ष में थे कि भारत को दुर्बल किया जाए, और दुर्बल करने का तरीका उनको बड़ा सीधा सही दिखाई दे रहा था कि अगर अलग से पाकिस्तान बना दिया जाता है, भारत का विभाजन कर दिया जाता है, तो भारत दुर्बल हो जाएगा। तो उसके लिए उन्होंने बंटवारे की बात की। जी सर, सर ये मुस्लिम होमलैंड की जो बात आपने बताई, तो उसमें धर्म के आधार पर विभाजन स्वीकृत हुआ या कैसे सारे मुसलमानों का वहाँ विस्थापन या हिंदुओं का इधर भारत में विस्थापन, इस बात पर क्या सहमति हुई? मुस्लिम लीग सीधे सीधे मुसलमानों की बात करती थी, और उन्होंने तो मुस्लिम होमलैंड की बात की ना, कोई अलग से एक राज्य नहीं, मुस्लिम होमलैंड। ये बात ध्यान में रखिए, उन्होंने मुस्लिम होमलैंड की बात की थी जिसमें कानून मुसलमानों के चलेंगे, सब चीज मुसलमानों की चलेगी, परंपराएं मुसलमानों की चलेंगी, जिसमें ये मजहब मुसलमानों का रहेगा, जिसमें शिया ये जो है इनका शरिया शरिया कानून चलेगा, वो सब वो मुस्लिम था मामला सीधा। तो पाकिस्तान फॉर मुस्लिम्स, ये उनकी स्पष्ट मांग थी, और मुस्लिम्स के प्रतिनिधि हम ही हैं, यानी मुस्लिम लीग ही केवल मुसलमानों के प्रतिनिधि है। कांग्रेस में हिंदू तो केवल उंगलियों पर गिनने लायक थे, मुसलमान तो केवल उंगलियों पर गिनने लायक थे। इसके बावजूद कांग्रेस कहती थी कि हम हिंदू मुसलमान दोनों के प्रतिनिधि, तो हम दोनों के प्रतिनिधि हैं। और इसलिए कांग्रेस ने, जबकि कांग्रेस वास्तव में कांग्रेस में हिंदू लोग ही थे, मुसलमान नहीं थे, मुसलमान तो इन्हें गिने थे, अंत तक गिने के नहीं रहे हैं, लेकिन वो दावा यह करती रही कि हम मुसलमानों के भी प्रतिनिधि कांग्रेस ही है। तो वास्तविक संघर्ष कांग्रेस और मुस्लिम लीग का तो यही था कि मुस्लिम लीग कहती थी कि मुसलमानों के प्रतिनिधि मुस्लिम लीग है, तुम नहीं हो, कांग्रेस नहीं है, और कांग्रेस कहती है कि हम दोनों हैं। तो यही इनका आपस का संघर्ष असल में यही था। तो अब वो चलो उनकी बात है, लेकिन तो पाकिस्तान का मतलब ही था मुस्लिमिस्तान। और इसलिए जिन्ना ने यह एक प्रपोजल रखा भी था कि भाई जनसंख्या का की अदला बदली कर ली जाए, ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन। लेकिन अब ये कांग्रेस क्योंकि हिंदू मुस्लिम की बात करती थी, एक हिंदू मुस्लिम, हम दोनों के, इसलिए ट्रांसफर पॉपुलेशन कैसे हो सकता है? उनका ठीक है, मत करो, नहीं करो तो जबरदस्ती करेंगे। तो क्योंकि ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन करने से मना कर दिया कांग्रेस, ये संभव ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता, तो उन्होंने फिर अपना रास्ता अपनाया। दूसरी बात कि देखिए मुसलमान जो है ये स्वभाव से ही हुड़दंगी है, स्वभाव से ही हिंसक है।
वो तो स्वभाव से ही है, प्रवृत्ति है उसकी वो। और जब उसकी प्रवृत्ति को प्रोत्साहित कर दिया जाए थोड़ा सा, तो और अधिक हो जाती है। तो 1946 में जो मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ मुंबई में, शायद 27, 28, 29 जुलाई था, तो उसमें उन्होंने ये प्रस्ताव पारित किया कि पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए, यानी मुस्लिम होमलैंड की प्राप्ति के लिए, अब हम सब प्रकार के जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ते हैं उन सबको छोड़ते हैं, सभी संवैधानिक उपायों को हम छोड़ते हैं। और जिन्ना ने इस बात को अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में और अधिक स्पष्ट रूप से कहा, और वो ये कहा कि अब हमारी भी जेब में पिस्टल है तो संवैधानिक उपायों को छोड़ते हैं, और अब हमारी भी जेब में पिस्टल है, इसका अर्थ क्या? तो जो भी मुसलमानों को जानता है, सामान्य व्यक्ति भी इसका अर्थ समझ सकता है, लेकिन हमारे देश के बड़े बड़े बुद्धिमान नेता कांग्रेस के ये इस बात को नहीं समझे, और उन्होंने कहा कि अब हम संवैधानिक उपायों को छोड़ते हैं और अब हम डायरेक्ट एक्शन करेंगे, और उसके लिए तारीख भी तय कर दी उन्होंने कि डायरेक्ट एक्शन 16 अगस्त से शुरू होगा, 16 अगस्त 1946, 1946। ये सीधा सीधा मुस्लिम लीग के द्वारा मुसलमानों के लिए हिंदुओं के विरुद्ध युद्ध की घोषणा थी, युद्ध की घोषणा। बस अंतर इतना ही था, उसमें शब्द प्रयोग युद्ध नहीं किया गया, वो शब्द प्रयोग किया गया डायरेक्ट एक्शन। तो डायरेक्ट एक्शन कहकर मुस्लिम लीग ने सीधी सीधी युद्ध की घोषणा कर दी थी, उसकी तारीख भी तय कर दी थी। तो ये जो भी बाद में हुआ, ये कोई हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं हुए, ये युद्ध था, मुस्लिम समाज के द्वारा हिंदू समाज के विरुद्ध घोषित युद्ध। लेकिन हमारे जो हिंदू नेता थे, यानी कांग्रेस नेता, राजनीतिक नेता, ये तो युद्ध के नाम से ही डरते थे, युद्ध तो होना ही नहीं चाहिए कभी, अहिंसा। तो अब ये इस बात को कैसे समझते, यानी कांग्रेस किस प्रकार, कितने कांग्रेस के लोग अहिंसा के नाम पर कायर बन गए थे, इसका मैं केवल एक छोटा सा उदाहरण देता। 1930-31 में जो सत्याग्रह हुआ, और उसमें, उस सत्याग्रह में संघ के भी कई स्वयंसेवक गए, डॉक्टर हेडगेवार भी स्वयं जो सरसंघ चालक थे वो भी उसमें सम्मिलित हुए। अब वो जो संघ के स्वयंसेवक गए सत्याग्रह करने के लिए, अब वो सारे हट्टे कट्टे तगड़े थे, तो जो सत्याग्रह का उस जगह इंचार्ज था, शायद यवतमाल की बात है, कहाँ की बात है, उसने आपत्ति की इस पर कि आप ये इतने हट्टे कट्टे तगड़े लोगों को भेज रहे हैं सत्याग्रह में, अरे ये लोग तो जाकर पुलिस से भिड़ जाएंगे, ये सत्याग्रह नहीं करेंगे, ये तो हिंसा कर देंगे, तो हमारा तो अहिंसक सत्याग्रह है। तो इस पर डॉक्टर हेडगेवार जी ने कहा कि अरे भाई, आप क्या चाहते हो कि बिल्कुल मर्दुल्ले लोग सत्याग्रह करें, कि जो पुलिस की एक लाठी पड़ते ही बेचारे अधवरे हो जाएं, ऐसे लोगों से सत्याग्रह करते हो? ये तगड़े हैं, हट्टे कट्टे हैं, ये पुलिस की 50 लाठियां सहकर भी खड़े रहेंगे, और तुम्हारे मर्दुल्ले जो लोग हैं वो एक लाठी खाकर ही घिस जाएंगे नीचे। तो ये एक प्रसंग है। तो यानी हट्टा कट्टा होना, तगड़ा होना, ये भी
इसमें भी अहिंसा का प्रश्न आ जाता था। कोई अगर अखाड़े में जाता है तो ये तो वैसे हिंसक दिखती है। ये एक सोच कांग्रेस की बनती थी। तो इसलिए मुस्लिम लीग ने जो करते थे आक्रमण हिंदू समाज पर, तो ये शांति शांति की बातें करते थे। ये नहीं कि भी अगर उन्होंने 4 थप्पड़ मारे तो हम 10 थप्पड़ मारेंगे, 10 थप्पड़ मारो तो वो अपने आप ही शांत हो जाएंगे, लेकिन नहीं, तो हाथ जोड़कर विनती करते रहते थे। इससे मुसलमानों की प्रवृत्ति और अधिक बढ़ती थी, वो अधिक आक्रामक होते थे। यानी उनकी वृत्ति आक्रामकता की तो है ही, मुसलमान के बारे में मुसलमान का एक कैरेक्टर है, पहले भी था आज भी वही है, वो हमेशा के लिए ध्यान में रखना चाहिए। वो कैरेक्टर क्या है मुसलमान का, वो ये है कि मुसलमान अगर आंख दिखाए तो उसको थप्पड़ मारो, आप थप्पड़ मारोगे वो पीछे हट जाएगा, और अगर उसने मुसलमान ने आंख दिखाई थप्पड़ मारा और आपने हाथ जोड़ दिए तो 10 थप्पड़ मारेगा। ये प्रवृत्ति है मुसलमान, तो उसका तो इलाज एक ही है, उसने 1 थप्पड़ मार रहा है तो तुम 4 थप्पड़ मारो, वो आपके पैरों में गिरेगा, माफी मांगेगा। तो जहां जहां हिंदुओं ने उन दिनों जो मुसलमान गड़बड़ करते थे, तो जहां जहां हिंदुओं ने यह वृत्ति अपनाई वहां वहां दंगे नहीं हुए, और जहां जहां हिंदू जो थे वो कांग्रेस की सोच के अनुसार, कांग्रेस की शिक्षा के अनुसार चलते रहे, वहीं के हिंदू अधिकांश मारे गए। और बहुत सारे स्थानों पर तो ऐसा हुआ, गांव के गांव खत्म हो गए, वहां कोई बचा ही नहीं हिंदू, ये बताने वाला भी कि वहां क्या। हाँ, मेरा एक प्रश्न है। जी इसमें दो है प्रश्न। यदि संघ उस समय नहीं रहता अस्तित्व में, तो जी विभाजन का और कितना हानि होता अपने देश को। दूसरा, संघ के अलावा और ऐसे कौन से संगठन थे जिन्होंने हिंदुओं को वहां से सुरक्षित लाने के लिए योगदान दिया अपना, पाकिस्तान से भारत में? देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान बनना ही नहीं चाहिए था, विभाजन होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन हो गया। किन कारणों से हो गया, अब वो कारण कई हैं, थोड़ा बहुत तो मैंने बताया है, डिटेल में तो मैं भी नहीं गया अभी, लेकिन हो गया। अब पाकिस्तान अगर बन गया है तो पहली बात ये हो जानी चाहिए थी कि ठीक है, भारत से सारे के सारे मुसलमान उधर चले जाएं और उधर सारे के सारे हिंदू इधर आ जाएं, ये एक व्यवस्था बना दी जाती, तो ये जो मारकाट वगैरह हुई है ये ना होती। लेकिन वो किया नहीं गया, वो किया नहीं गया, बल्कि इसके उलट हुआ। उलट हुआ कि जो हिंदू उधर से आ रहे थे, कांग्रेस के नेताओं ने उनको ये कहा कि तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी पूरी सुरक्षा वहां पर होगी, हम आपकी पूरी तरह रक्षा की व्यवस्था करेंगे। यह कांग्रेस के नेताओं ने हिंदुओं को आश्वासन दिया था। मैं एक स्थान की घटना बताता हूँ, गुरुद्वारा पंजा साहिब। तो अब वहां के जो लोग थे, यानी गड़बड़ियां तो बहुत पहले से चालू हो चुकी थी, यानी 1947 के ये जनवरी से ही लगभग चालू हो चुकी थी वहां पर, लेकिन मैं अगस्त की बात बता रहा हूं, और यानी जुलाई अंत में काफी ज्यादा गड़बड़ हो गई, तो कई गांवों से लोगों ने भागना शुरू कर दिया, भाग भाग कर वो कस्बों में आते थे, नगरों में आते थे। तो ऐसे आसपास के गांवों के भी बहुत से लोग गुरुद्वारा ये पंजा साहब में आने लग पड़े, तो इधर के भी गुरुद्वारा पंजा साहब के भी, यानी उस स्थान का नाम वास्तव में जो था वो था हसन अब्दाद, जगह का नाम जो है ना, गांव का नाम था हसन अब्दाद, लेकिन वो गुरुद्वारा वहां पर आता इसलिए पंजा साहब भी उसको कह देते। तो ये बहुत से लोग आ गए, हजारों लोग आसपास गांवों से भाग भाग कर आए, तो सबने मिलकर ये तय किया, यानी गुरुद्वारा के लोगों ने ये तय किया, कभी अब हम यहाँ से निकल चले। यह जो उन्होंने तय किया, ये लगभग जुलाई के अंत में या अगस्त के बिल्कुल शुरू की 1-2-4 तारीख की बात हुई, जब तय किया कि हम निकल चले, नहीं तो ये तो स्थिति और से और अधिक बिगड़ती जा रही है। तो लगभग ये भी चलो 3-4 दिनों में यहां से निकल जाएंगे,
तो सब अपने बोरी बिस्तर वगैरह सबने बांध लिए, सामान सुमान कर लिया कि अब एक दो दिन में निकल जाएंगे। उसी बीच में ही वहां पर गांधी जी आ टपके। ये गांधी जी गए थे श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, महाराजा से मिलने के लिए। तो वहां से वापसी पर वो आए, तो वो यहाँ गुरुद्वारा पंजा साहब भी आए। उनकी सभा हुई गुरुद्वारा में ही, उनकी सभा हुई है गुरुद्वारे में ही सभा हुई उनकी। और ये जो हुआ है ये शायद 6 या 7 अगस्त की बात है, या 8 अगस्त हुआ ऐसे लगभग। गांधी जी ने ये कहा कि आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप लोग यहीं रहेंगे, आपका बाल भी बांका नहीं होगा, आपकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेवारी की जाएगी, सरकार आपकी सुरक्षा करेगी। ये गांधी जी ने वहां लोगों को कहा, जो लोग अपना बोरी बिस्तर बांध चुके थे। तो गांधी जी क्या आश्वासन, अरे गांधी जी ने कह दिया कुछ नहीं होगा तो किस लिए जाना, सबने अपने बोरी बिस्तर फिर से खोल दिए। अब गांधी जी तो ये कह के चले गए। उसके 3 4 5 दिन बाद ही चारों तरफ से उसको घेर लिया गया, आसपास के 20 25 गांवों के मुसलमानों ने घेरा डाला, तो मारे गए सब लोग, बहुत थोड़े से लोग ही बचकर वहां से आ पाए। ये हसन अब्दाल की घटना है, यानी गुरुद्वारा पंजा साहब और गांधी जी की। तो ये कांग्रेस नेता हिंदुओं का नहीं निकलने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है अच्छा है, अगर आप ये कह रही हैं नहीं निकलना अच्छी बात है, लेकिन व्यवस्था तो करो उसकी। उसकी व्यवस्था व्यवस्था तो की नहीं। हिंदू वहां इतने थे, उनकी सुरक्षा के लिए पूरी सेना लगानी चाहिए थी, लगाई नहीं, बस जवानी जमा खर्च होता रहा, प्रस्ताव पारित करते रहे, आगे पीछे कुछ नहीं। तो जो सरकार थी हमारी वो केवल घोषणाएं करती रही, प्रस्ताव पारित करती रही, हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे, जमीन पर कुछ नहीं। उसी के परिणाम स्वरूप लोग मारे गए, लूटे गए, ये सब कुछ हुआ। तो अगर ट्रांसफर पॉपुलेशन हो जाता तो बहुत अच्छी बात थी। अब आपने पूछा कि संघ के अलावा और कौन लोग थे, तो मैं इस विषय में आपको थोड़ा सा बता देता कि देखिए इस मामले में, ठीक है, संघ भी था, हिंदू महासभा थी, आर्य समाज थी, जो भी हिंदू से बनते थे सब थे, सभी लोग थे। और उस समय कोई आर्य समाज या हिंदू सभा या संघ इस नाम से नहीं था, सीधा हिंदू यह पक्ष था। 5 मार्च 1947 को सारे पंजाब में एक साथ प्रमुख स्थानों पर मुसलमानों ने हिंदुओं पर आक्रमण कर दिए थे। 5 मार्च, ध्यान रखिए, 15 अगस्त से 6 महीने पहले। लोग विभाजन समझते हैं कि जैसे 15 मार्च है विभाजन, ऐसा नहीं है, 5 मार्च 1947। तो अब उसमें रावलपिंडी में बहुत ज्यादा मारकाट हुई, गांवों में काफी हुआ, और अनेकों गांवों में महिलाएं जो हैं, लड़कियां गांवों के कुओं में कूद गई थी अपनी अस्मिता को बचाने के लिए। तो उस समय एक सर्वदलीय हिंदू सहायता समिति बनी, प्रमुख रूप से कांग्रेस ने बनाई। तो उसका नाम था ये आल पार्टी हिंदू सफरर्स, अब जो भी था आगे कुछ, तो जो हिंदू सफरर्स हैं उनकी सहायता के लिए एक समिति बनाई। ठीक है, तब काम चालू हुआ।
तो जो हिंदू इधर उधर से भाग भाग कर और रावलपिंडी शहर में आ रहे थे, वहां कैंप लगाया गया। वाह कैंप, बहुत बड़ा कैंप बनाया गया। वहां से लोग आने लगे तो उनकी सेवा के लिए वहां उनको खाना चाहिए था, दूध चाहिए था, पानी की व्यवस्था चाहिए थी, सब चाहिए था, तो सेवा कार्य। लेकिन हुआ क्या, अब क्योंकि प्रमुख रूप से कांग्रेस थी, कांग्रेस ने वो किया था, तो कांग्रेस के नेतृत्व में वो सब काम चला। तो कांग्रेस के जो नेता थे उनका काम करने का तरीका क्या था, कपड़े बांटने हैं, अरे ठहर ठहर, अरे कैमरा बुलाओ। अब जब तक कैमरा नहीं आ जाता तब तक वहां कपड़े नहीं बांटे जाए, जब तक कैमरा नहीं आ जाता, कुछ पत्रकार नहीं आ जाते हैं, तब तक लोगों को खाना नहीं खिलाया बांटा जाएगा, ये स्थिति हो गई। तो 2-3 दिन तक ऐसे चलता रहा। तो मतलब उनके सामने अपना प्रचार, आत्म प्रचार ये था मुख्य काम, लोगों की पीड़ितों की सहायता नहीं, आत्म प्रचार। अखबार में फोटो आ जाए हमारा कि हम, आजकल भी राजनीतिज्ञों की यही स्थिति है। तो कांग्रेस 2-3 दिन तक ये चला, मतलब ना तो वो काम किया और ना दूसरों को काम करने दिया। तो अब संघ के भी कार्यकर्ता उसमें थे सब, अब वो जो करना चाहते थे उनको भी नहीं करने दे रहे थे, अभी नहीं अभी नहीं, वो तो जरा आ जाए, पहले कोई पत्रकार आ जाए, कैमरा आ जाए, जो भी है फोटो खींची जाए तब। तो हुआ है कि 2-3 दिन के बाद फिर ये तय किया, संघ की ओर से तय हुआ कि हम इसमें नहीं रहेंगे, हम अलग से एक समिति। तो इसलिए फिर अलग उस समिति को छोड़कर संघ की ओर से एक अलग समिति बनाई गई, उसका नाम रखा गया पंजाब रिलीफ कमेटी। पंजाब रिलीफ कमेटी, और फिर उसके माध्यम से काम शुरू किया गया, और धीरे धीरे बाकी भी जो दल या संस्थाएं थी वो भी वो कांग्रेस वाली समिति से हटकर इस पंजाब रिलीफ कमेटी के साथ किया। तो वास्तव में जो सेवा कार्य हुआ है पंजाब में, वो पंजाब रिलीफ कमेटी के द्वारा हुआ है, और कांग्रेस की जो कमेटी थी वो फिर 5-10 दिन चल के वो अपने आप ही खत्म हो गई, क्योंकि बाकी लोग भी नहीं रहे उसमें, वो खत्म ही हो गई। तो पंजाब रिलीफ कमेटी के द्वारा ही काम होता है। तो इसका मुख्यालय लाहौर रखा गया। अब ये गड़बड़ क्योंकि कई जगह हो रही थी, एक जगह की बात तो थी नहीं, तो इसलिए जगह जगह रिलीफ की आवश्यकता पड़ती थी। तो इसलिए फिर कुछ दिनों बाद पंजाब में प्रत्येक जिले में पंजाब रिलीफ कमेटी की का गठन किया गया, और वहां पर वो साधन भी जुटाने की बात थी, फिर स्थानीय लोग जो भी जो करते थे तो उनसे सहायता लेना, फिर वहां भी जो जगह जगह पर गड़बड़ होती थी, मुसलमान गड़बड़ करते थे तो वहां भी लोग घायल होते थे, उनकी भी व्यवस्था करना, सेवा, ये सब था। पंजाब रिलीफ कमेटी के भी कई विभाग थे, तो उन सब विभागों का किया गया। अब ये जो हुआ रावलपिंडी में, तो इस रावलपिंडी कांड के बाद लाहौर में एक बैठक संघ की, लाहौर के प्रमुख कार्यकर्ताओं की, और वो बैठक भी जो प्रांत प्रचारक थे संघ के माधवराव मुले जी, और उसमें ये सब थोड़ा इस विषय पर चर्चा हुई। तो सभी कार्यकर्ता जो थे वो बड़े उद्विग्न थे, तो कहने के माधवराव जी ये कैसे चलेगा, जगह जगह ये हो रहा है, और आज रावलपिंडी में ऐसा हुआ है, कल को लाहौर में होगा, हमारे पास तो कुछ है नहीं, तो मुसलमानों के पास तो सब कुछ है, सब तरह के हथियार हैं, सब साधन है, हमारे पास तो कुछ है नहीं, हम क्या करेंगे, हम तो मारे जाएंगे। तो माधवराव जी ने सबकी बातें सुनी, और सुनकर फिर अंत में उन्होंने कहा कि देखो भाई, ये मत कहो कि हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास बहुत बड़ी चीज है, वो है हमारा केडर, हमारे पास केडर है, ये बाकी चीजें तो जब केडर है तो बाकी तो एक सब दोस्तों में आ जाती है। और वहीं बैठे बैठे उसी बैठक में माधवराव जी ने 20 प्रमुख कार्यकर्ताओं को शाखा के कार्य से मुक्त कर दिया उसी बैठक में,
और वहीं बैठे बैठे ही ऐसे 10-12 विभाग बनाए गए और एक एक कार्यकर्ता को एक एक विभाग का प्रमुख बना दिया। क्या अब आप लोगों ने शाखा कार्य नहीं करना, अब आपकी जिम्मेवारी ये है। और वो विभाग कैसे थे? वो विभाग थे चिकित्सा विभाग, शस्त्र विभाग यानी शस्त्र प्राप्त करने का, शस्त्र शिक्षण विभाग के लोगों को शस्त्रों को शिक्षण, अर्थ विभाग इन सबके लिए पैसा चाहिए, वाहन विभाग तो हमें वाहन भी चाहिए इसका काम के लिए, तो विभिन्न प्रकार से वाहनों को, वाहन प्रशिक्षण विभाग तो हमारे स्वयंसेवकों को मोटर चलाना आना चाहिए, जीप चलाना आना चाहिए, बाइक चलाना आना चाहिए, शिक्षण विभाग ये भी था। तो अनेक प्रकार के, फिर गुप्तचर विभाग अनेक संसदों को मुसलमान बना दिया गया, जगह जगह पर एक जगह, और वो उनकी गुप्तचरी कि मुसलमानों के क्या योजना है वो पता लगता रहे, वो कायदा गुप्तचर विभाग बनाया गया। तो ऐसे ये अलग अलग विभाग बनाए गए। फिर इसके साथ ही अग्निशमन विभाग, फायर ब्रिगेड, ये भी बनाया गया। शवदाह विभाग भी बनाया गया कि लोग हमले होते हैं कहीं भी और लोग मारे जाते हैं तो उनको उठाकर और शमशान में लेकर जाना और उनका शवदाह करना, ये भी एक काम था उन दिनों बहुत बड़ा, क्योंकि लोग शवदाह भी नहीं कर सकते थे, वो लेके जाएंगे तो रास्ते में ही उनके ऊपर हमला हो जाएगा। तो ऐसे कई प्रकार के विभाग बनाए गए, ये उसी बैठक में बना दिए गए। और इस प्रकार से ये, इससे पूर्व मैं एक और चीज आपको बता देता हूं। फरवरी 1947 की बात है, फरवरी 1947, दिल्ली के प्रांत प्रचारक थे वसंत राव ओक, और उनको उनके सब लोगों से संबंध थे, कांग्रेस के भी बहुत सारे लोगों से संबंध थे, तो उनको कांग्रेस सर्किल से ये कुछ भनक पड़ी कि कांग्रेस विभाजन को स्वीकार कर लेने वाली है। फरवरी की बात बता रहा हूं, फरवरी 1947। जैसे ही उनको ये पता लगा, वसंत राव ओक तुरंत हवाई जहाज से नागपुर पहुंचे और उन्होंने जाकर गुरु जी को ये बताया, भाला साहब को भी बताया, तो चर्चा हुई वहां पर। गुरु जी का कार्यक्रम मार्च के शुरू में ही पंजाब का था, तो जब ये सूचना वसंत राव जी ने दी कि ये कांग्रेस सर्कल में चर्चा चल रही है विभाजन स्वीकार कर लेने की, तो इसका मतलब है कि विभाजन तो हो जाएगा, बन जाएगा। तो अब उसमें फिर पंजाब की स्थिति क्या है, क्या रहेगी, तो पंजाब की स्थिति का अध्ययन किया जाए करने के लिए गुरु जी के साथ ही बाला साहब देवरस का भी कार्यक्रम पंजाब का बन गया, बना दिया गया, जो पहले नहीं था। तो गुरु जी के साथ बाला साहब देवरस भी आए, लाहौर में दोनों इकट्ठे आए, तो लाहौर से आगे फिर दोनों के कार्यक्रम अलग अलग थे। तो गुरु जी के कार्यक्रम तो पहले से तय थे, जहां जहां के भी थे गुरु जी का प्रवास, और उनके कार्यक्रम सार्वजनिक थे, लेकिन बाला साहब देवरस के कार्यक्रम सार्वजनिक नहीं थे। बाला साहब देवरस के कार्यक्रम कुछ अन्य स्थानों पर रखे गए और वहां संघ प्रमुख कार्यकर्ताओं से बातचीत, तो वो वास्तव में अलग अलग स्थानों की स्थिति क्या है उसका अध्ययन करने के लिए। तो ऐसे कुछ स्थानों पर उनके कार्यक्रम तय थे, तो उन कार्यक्रमों में एक कार्यक्रम था मुल्तान का। मुल्तान में ये जो कार्यक्रम था,
ये शायद 3 तारीख को था, 3 मार्च। तो 3 मार्च को कुछ प्रमुख कार्यसंघ चालकों वगैरह की बैठक थी, वो हो गई। उसके बाद फिर 4 और 5 मार्च को मुल्तान विभाग की बैठक रखी गई थी। बाला साहब तो उसमें नहीं रहने वाले थे, लेकिन विभाग के कार्यकर्ताओं की बैठक रखी गई, तो विभाग की बैठक में होनी थी। तो बाला साहब तो 3 की बैठक करके 4 को चले गए वहां से, और उनका शायद वहां से शायद वो रावलपिंडी गया, जहां भी उनका होगा कार्यक्रम आगे का। लेकिन 4 और 5 को जो मुल्तान की विभाग की बैठक थी, तो विभाग के सभी स्थानों के कार्यकर्ता आए हुए थे। 5 तारीख को, जैसे मैंने बताया कि 5 तारीख को सारे पंजाब में एक साथ प्रमुख स्थानों पर मुसलमानों ने आक्रमण किया, मुल्तान पर भी। तो मुल्तान में भी मुसलमानों ने, आसपास के मुसलमानों इकट्ठे होकर मुल्तान शहर पर हमला कर दिया। ये जो कार्यक्रम था संघ का, ये शहर से बाहर एक स्थान था दंगल नाम से, तो बड़ा भवन था, कोई मंदिर भी थे वहां पर, और काफी बड़ी खुला स्थान था, 4 दीवारी थी उसकी। तो वहां ये संघ की बैठक थी 2 दिन की। तो वहां पर कार्यकर्ता सारे वहां थे। अब जब सूचना मिली कि शहर पर तो हमला हो गया, उसमें तो कुछ कार्यकर्ता जो मुल्तान नगर के कार्यकर्ता थे उनको भेज दिया गया कि आप जाओ और वहां जाके संभालो। अब वहां तो खैर जो हुआ सो हुआ, लेकिन उसके बाद ये जो दंगल था, कई मुसलमानों को शायद पता लग गया कि यहाँ संघ पर आए हुए हैं, संघ में बैठक है, तो उन्होंने आकर दंगल पर हमला कर दिया, यानी उस स्थान को ही घेर लिया उन्होंने। अब ये तो बैठक के लिए आए हुए थे सारे लोग, इनके पास कुछ था तो नहीं, वहां पर हथियार तो थे नहीं कुछ। लेकिन अब तात्कालिक तो यही किया गया, वो जंगल की 4 दीवारी थी और उसके ऊपर वो कुछ तार लगे थे और गेट लोहे का था। तो उनमें वो तारों में और लोहे के गेट में ये बिजली का करंट प्रवाहित कर दिया, ताकि ये लोग कम से कम आगे नहीं आए बाहर, इतना ही। और ये करने के बाद फिर दूसरा काम क्या किया गया, वो दंगल था एक तरह से स्टेडियम का रूप था, वहां सीढ़ियां वगैरह भी थी, तो वहां दंगल हुआ करते थे, तो लोग दर्शक बैठते थे चारों तरफ। तो वो जो सीढ़ियां बनी हुई थी, तो सीढ़ियों को उखाड़ना शुरू किया, ईंटें उनकी उखाड़नी शुरू, और वो ईंटें उखाड़कारी वो कार्यकर्ता जो थे वो चारों तरफ ऊपर खड़े हो गए 4 द्वारी पर। तो मुसलमान नजदीक आते थे तो ये ईंटें से ही ईंटें मार मार कर उनको वहां से दूर करते। तो एक तो पहले हमले में तो मुसलमान वहां से फिर भाग गए, वो आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन उसके बाद फिर वो पूरी तैयारी से आए, और फिर वो बंदूकें लेकर आए। पहले तो केवल तलवार यही था, अब वो बंदूकें उनके पास थी, अब वो गोलियां चलाने। तो अब इस स्थिति में क्या किया जाए, अब यहाँ कुछ था नहीं, लेकिन वहां उस क्षेत्र में कुछ साधु भी रहते थे। तो एक साधु के पास बंदूक थी, उसने अपनी बंदूक, लो भैया ये मेरे बंदूक है, ये तुम ले लो अगर तुम चला सकते हो। तो खैर वो कुछ लोगों को चलानी आती थी, तो वो फिर उस बंदूक का उपयोग, एक ही बंदूक थी केवल, लेकिन उस एक बंदूक का भी लाभ तो हुआ ही, कोई भी नजदीक आता था तो ये गोली चला देते थे, पीछे भाग जाता था, तो ज्यादा नजदीक नहीं आए। लेकिन उसी में एक स्थिति ऐसी आ गई कि वो काफी नजदीक आ गए। अब नजदीक आ गए तो अब लगा कि भाई अब ये संख्या में बहुत अधिक हैं और अब हम कुछ कर नहीं सकेंगे और ये अंदर आ जाएंगे। तो ये सोचा गया कि अब अंदर से हटकर हम लोग बाहर निकल कर इनका मुकाबला करें, इनको पीछे हटा। तो गेट खोल कर और कुछ स्वयंसेवक वहां से आगे गए। वो इनके पास था तो दंड, और तो कुछ था नहीं, लेकिन दंड ही लेकर ही आगे बढ़ गए, और बढ़कर और जो है बाकायदा मुकाबला हुआ वहां पर अच्छी तरह से, घंटा 1.5 घंटा मुकाबला। और वो उस मुकाबले में
ये लोग कुछ मुसलमान पीछे हट गए, लेकिन उसी में ही जो वहां के मुल्तान विभाग प्रचारक थे पंडित देखराज जी, वो मुसलमानों को पीछे हटाते हटाते ज्यादा आगे बढ़ गए, और ज्यादा आगे बढ़ गए तो एक उनके घेरे में आ गए। अब घेरे में आ गए तो अब अच्छी तरह मुकाबला तो किया उन्होंने जैसा भी किया, लेकिन आगे वो काफी घायल हो गए, वहीं गिर गए। अब बाकी स्वयंसेवक तो उनको पीछे करके वापिस आ गए, लेकिन ये जो थे हमारे देखराज जी, ये वहीं। अब ये पड़े रहे, घायल थे, बेहोश थे, तो अब लगा कि उनको लाया जाए। कैसे लाया जाए? तो फिर तीन चार कार्यकर्ता गए उसी एकदम, उन्होंने तो जैसे छापा मारना एकदम दौड़ कर गए। तो दो लोगों ने तो मुसलमानों को मुकाबला करने, और एक थे कार्यकर्ता हुकूमत रहे, जिला प्रचारक थे एक जगह के, तो वो उनको पकड़ कर उठाकर ले आया। इस प्रकार से वो बच गए। तो ये एक स्थिति वहां की हुई थी, और काफी लंबा चौड़ा संघर्ष हुआ। तो ये ऐसे संघर्ष बहुत जगह पर हुए हैं संघ के स्वयंसेवकों के, लेकिन ये जो संघर्ष मैं बता रहा हूँ ये संघर्ष है 5 मार्च 1947 का, मुल्तान का 5 मार्च या 4 मार्च, ऐसे दोनों में से कोई तारीख। तो अब जगह जगह क्या क्या हुआ, ये इतनी अधिक उस समय की घटनाएं हैं, वो सब ये पुस्तक में है। ये जो विभाजनकालीन भारत के साक्षी, ये जो पुस्तक है, ये 4 खंडों में ये है। अब इसके अंदर उस समय की ये सब घटनाएं, उस समय के संघर्ष, बाकी ये सब चीजें सब इसके अंदर हैं। और इनको देखेंगे तो बहुत सारी चीजें हमारे सामने आती हैं। संघ का क्या रोल रहा, ये भी सामने एकदम आता है। कांग्रेस का क्या रहा, ये भी आता है सामने। अन्य लोगों का क्या रहा, तो सब लोगों ने मिलकर काम किया है। वो चाहे आर्य समाज था, चाहे हिंदू महासभा थे, चाहे संघ थे, लेकिन हाँ ये ठीक है कि संघर्ष की अवस्था में, संघर्ष के समय नेतृत्व संघ के स्वयंसेवकों ने किया, जगह सहयोग सबका रहा, नेतृत्व संघ के स्वयंसेवकों ने किया योजना। तो इस प्रकार की वो स्थितियां रही हैं। हाँ।